हाय माय रूरू पारी के माय रूरू। हमारे आंटी है वो घर पे आई और उसने मम्मी को कहा कि वहाँ पर कुछ मेहमान आए और ये नहीं पता था कि वो कोक स्टूडियो वाले हैं, हमें नहीं पता था। तो उन्होंने वो मम्मी वगैरह गई, आंटी वगैरह वो वहाँ पर पहले परफॉर्मेंस कर रहे थे। तो मेरी छोटी बहन भी गई थी उनके साथ, तो मैंने उनसे पूछा कि कौन आए थे। तो उसने कहा कि वहाँ पर हम गाना गाने गए थे। तो मैंने उससे कहा कि आप मेरे बारे में उनको बताते, क्योंकि उसको बताना, अगर कल जाओगे तो बताना मेरे बारे में कि उसको भी गाना गाने का बहुत शौक है। मैं ये सोच के सो गई कि काश वो कल सुबह मुझे बुलाए। जब सुबह हुई तो परवाना जान की अम्मी दोबारा घर आई, तो उसने मम्मी से कहा कि अभी वहाँ पर रुमबूर पे फौत हुई है और हम बड़े, अच्छा नहीं लगेगा जब हम जाएंगे तो इसलिए हम बच्चों को भेजते हैं। तो फिर मैं रेडी हो गई। हाँ, मैं क्यों नहीं, मैं जाऊँगी पहले से, क्योंकि मैंने ये सोच रखा था मैं जाऊँगी। तो फिर मैंने अम्मी को बुलाया और हम दोनों वहाँ चले गए और वहाँ जाकर हमने उनको गाना सुनाया। जब भाई ने बताया कि आपका गाना रिलीज़ हुआ तो मैं बहुत एक्साइटेड हुई सुनने के लिए। तो फिर भाई ने मुझे गाना दिखाया, तो फिर मैंने जल्दी से मैं भाग गई। मैं अमरीन को बुलाती हूँ। जब मैं मामू के घर में थी ना, वहाँ पे कुछ लोग आए थे, डांस हो रहे थे। तो फिर मैंने उन्होंने आर्याना ने कहा कि हमारा गाना रिलीज़ हुआ है। तो फिर मैं वहाँ से आया, वहाँ आके मैं खुशी के मौके में मैं जल्दी आ रही थी। तो उस टाइम मैं वहाँ से उठ रही थी, तो फिर वहाँ के मैं क्या कहते हैं उसे गिर गई। तो फिर मैं जल्दी आर्याना के पास आया, तो फिर उसकी भाई है वो, उन्होंने हमें देखा है कि आपकी गाना रिलीज़ हुआ है। तो फिर हम लोगों ने देखा, तो फिर बहुत मज़ा आया। 5-6 दिन तक मैं सिर्फ देखती रही कि कितने कमेंट्स आए, कितने लाइक्स हुए। बहुत खुशी हुई। खिस्मत लोगों को ये सब मिलती है। हम पहले तो ये कभी नहीं था, अभी हुआ है। तो फिर हमने कहा कि हाँ, हम खिस्मत वाले, हमें मिले, हम गाना गाने के लिए कोक स्टूडियो में गए। यहाँ पर स्कूलों में बच्चों के लिए स्पोर्ट्स भी होना चाहिए, क्योंकि लड़कियाँ अलग से, लड़कियों के लिए खेल होना चाहिए, स्पोर्ट्स वगैरह। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर साइंस लैब भी नहीं है और कंप्यूटर लैब भी नहीं है। जब कोई बीमार हो जाता है तो हम उन्हें लेके चतार जाते हैं, और चतार जाने में बहुत मुश्किल होती है। कभी गाड़ी नहीं मिलती है, कभी पैदल जाना पड़ता है। मैं पहले से ही मम्मी को हमेशा कहती हूँ कि मम्मी मुझे सिंगर बनने का शौक है। तो फिर मम्मी कभी कभी गुस्सा होती है कि आप सिंगर बनो और आपका भाई डांसर बने, क्योंकि भाई को जो है वो एक्टिंग डांसर बनने का शौक है ना।